मधुरापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित परिसर में उत्तरा पंचायत के वार्ड सदस्यों ने बैठक कर मुखिया और सरकारी कर्मियों की मनमानी पर विरोध प्रकट किया। वार्ड सदस्यों ने कहा कि हमें जनता ने चुनकर प्रतिनिधित्व के लिए भेजा है, लेकिन मुखिया और सरकारी कर्मी योजनाओं में मनमानी कर रहा है। किसी भी कार्य के लिए हम वार्ड सदस्यों की सहभागिता नहीं ली जाती और जनता हमसे सवाल पूछती है। वार्ड सदस्यों ने यह भी बताया कि आवास योजना में बिचौलिया हावी है, लाभुकों के घर जाकर मनमाने हिसाब से योजनाओं में लूट खसूट की जा रही है, इसलिए हम लोग आज बैठक के माध्यम से इसका विरोध किया है। हम अपनी मांग का ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपेंगे ताकि हम वार्ड सदस्य के अधिकार का हनन नहीं किया जा सके। मौके पर फोटो देवी, मुन्नी खातून, राम सनही शाह, सरोज मंडल, माला देवी, सुनीता देवी, रामकली देवी, समुद्री देवी, बेचनी देवी, डिंपू कुमार समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। हमरा सबके जितला एक साल के करीब हुआ वाला छे है, और कह के मतलब ये कि ट्रेनिंग भी भेले 3 दिन तो वह पाई अखन तक नहीं मिल रही है, और जो 500 रुपया सरकार वार्ड सदस्य सबके देते वह अखन तक नहीं मिल रही। और समस्या ये कि वार्ड नंबर उत्तरा पंचायत में ये समस्या है कि दलाल के द्वारा अठाम काज भ रहा है, इंदिरा आवास सहायक के द्वारा काज नहीं हो, हमरा सबके द्वारा काज नहीं हो, तो कह के मतलब ये कि मैं लू जनता के नज़र में हम तो किछ नहीं छे। मैं लू कैंडिडेट बन के बाद भी, नेता बन के बाद भी हमर सबके की वैल्यू छे, तो अठाम के कर्मचारी सब बदमाशी कर रहा है, तो तै लक हम सब अलिए कि भाई कर्मचारी से बात करबे, अहाँ सब दलाल के थ्रू काज नहीं करू। की कोन तरह से दलाल से जना इंदिरा आवास में अपने कह रहा छे, तो कोन तरीका से काज भ रहा दलाल के? दलाल एना छे कि चलू हमरा अहाँ कागज दिया आ नेताजी के खुशामद करत रह जाए, अहाँ हमरा कागज देव तो हमरा सके जान छे पहचान छे जे करे छे बिचौलिया, एना कर रहा छे दलाली बीच में। आवास सहायक की बात सब कहलिए? आवासो सहायक के बात मालूम छे, वो आब रहल छे, वो एता एठाम हमरा सबसे बात विचार भेले है। नाम की आईडी पासपोर्ट ब्लॉक। अच्छा, तो इसका आप आवेदन दिए हैं ब्लॉक में? आवेदन नहीं दिए है, डायरेक्ट फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। जब भी हम लोग इधर आता है, ये मधवापुर ब्लॉक सबसे गिरा हुआ ब्लॉक है, हैं, जब भी हम लोग आए हैं तो यहाँ जब देखो तो मीटिंगें हो रहा है, नेताजी सब का कोई वैल्यू नहीं है, समझे कि नहीं, और दलाल सब का वैल्यू दिया जा रहा है यहाँ। क्या दिक्कत है? एक साल हो गया, एक साल में सिर्फ एक आम सभा हुआ है, उसमें किसी प्रतिनिधि आए? कोई नहीं आए। मुखिया जी कहते हैं हम मिनती में हैं, मिनती में काम करेंगे, उत्तरा में नहीं करेंगे, जबकि पंचायत उत्तरा है, ठीक है, मिनती में 4 जगह काम चल रहा है, उत्तरा में काम नहीं कर रहा है। अच्छा, मुखिया जी कहते हैं हम नहीं करेंगे, आप क्या कर लीजिएगा, हमारे पावर में है। अच्छा, आप लोगों को कोई वैल्यू नहीं है, जो करेंगे हम करेंगे अपना मन से करेंगे। अच्छा, वार्ड सदस्य का कोई वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं है, वार्ड सदस्य का सिग्नेचर भी नहीं होता है, अपना सिग्नेचर करवा के डायरी पे आम सभा पारित कर लेता है। अच्छा, हम लोग कोई सिग्नेचर नहीं किए हैं और आम सभा पारित हो गया है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग निष्पक्ष जांच चाहते हैं पंचायत में। और ये जो अभी योजना की बात आप कह रहे हैं कि मिनती में हो रहा है, उत्तरा में नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब उत्तरा में कोई काम नहीं हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है, पंचायत भवन पे काम हुआ है, 4,70,000 का एस्टिमेट है, मोटा मोटी 2-2.5 लाख खर्चा है, पैसा उठ गया, काम पूरा नहीं हुआ है, कोई वार्ड सदस्य का जानकारी। तो इसलिए मतलब आप लोग चाहते हैं कि जो इसकी जांच हो और निष्पक्ष काम हो? निष्पक्ष काम हो। क्या नाम हुआ? राम सनही शाह। दिक्कत यही है, देखिए हम लोग प्रतिनिधि बने हैं, प्रतिनिधि का कोई राय विचार नहीं वार्ड में चाहे पंचायत में रखा जाएगा, दलाल द्वारा अगर पैसा लाभार्थियों को मिल जाता है ठीक है, कोई बात नहीं है, मान के चलो आईडी पासबुक जो इंदिरा सहायक है वो जो है सो अफसर है, स्टाफ है ब्लॉक का, उनका आईडी पासबुक से दूसरा कौन कर लेता है, उसको तो ब्लॉक से दिया जाता होगा आईडी पासबुक, तब करता होगा कार्यक्रम। तो क्या काम किया है आईडी पासवर्ड से? आईडी पासबुक जियो टैग किया है क्या? जियो टैगिंग करवा कर पैसा परमानेंट करवा दिया है, ऐसे पहले लाभार्थी को आधार सीडिंग हुआ था तो दूसरा। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं पदाधिकारी से? हम पदाधिकारी से मांग यही करना चाहते हैं कि इंदिरा सहायक द्वारा काम हो, हमारे प्रतिनिधि को से लेकर के काज करवावे और वार्ड में विकास हो, किसी दलाल के द्वारा काज नहीं हो और कोई दलाल हम लोग को बीच में, मतलब बिचौलिया गिरी और दलाल वाला जो चीज है वो बंद होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? बद्री मंडल।
जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।